Hey guys, what's up everybody? It's Vishan and welcome back to my new video. Guys, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले लेयरिंग के बारे में. लेयरिंग मीन्स विंटर में क्या होता है कि हम लोग एक कपड़े के ऊपर और एक दो तीन ऐसे पहन सकते हैं एंड अपने स्टाइल को और भी अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब लेयरिंग करके. अब जो मेरे तरफ थिन बॉय होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, तो उन लोगों के लिए विंटर काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग विंटर में एक कपड़े के ऊपर एक उसके ऊपर और एक ऐसे दो तीन कपड़े पहन के अपने फिगर को थोड़ा वॉल्यूम दे सकते हैं, थोड़ा थिक लग सकते हैं एंड स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि मैंने अभी टी शर्ट के ऊपर यह जैकेट पहना है. तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊँ आप लोगों को किस किस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि लेयरिंग करते टाइम, मतलब आप जो कपड़े पहनते हैं, मतलब जो जैकेट पहनते हैं, जो हुडीज पहनते हैं, तो आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद आप लोग एक अच्छे से लेयरिंग कर सकते हो एंड बहुत मस्त ड्रेसिंग कर सकते हो, उसको ध्यान रखते वो इस वीडियो में बताऊँगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, लेयरिंग करते टाइम आप लोगों को सिर्फ तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है. लेयरिंग मीन्स इधर मैं सिर्फ कपड़े की बात करूँगा, मतलब क्लॉथ्स की बात करूँगा. वो जो स्कार्फ्स होते हैं, मफलर होता है, ये सब एक्सेसरीज जो होता है, ये सब मैं नहीं बताऊँगा इस वीडियो में. सिर्फ मैं ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन सी ड्रेस के ऊपर कौन सी ड्रेस पहनना चाहिए, मतलब वो आप लोग कैसे डिसाइड करें. तो गाइस, आप लोगों को सिर्फ तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है. एक होता है कलर, एक होता है पैटर्न एंड एक होता है ड्रेस की साइज, मतलब आप कौन सी कलर के ऊपर कौन सी कलर का ड्रेस ऑलवेज लेयर कर सकते हो वो मैं बताऊंगा एंड कौन से पैटर्न के ऊपर कौन सा पैटर्न. आप लोग जो कपड़े पहन रहे हो लाइक जैकेट हो, टी शर्ट हो, हुडी हो, कुछ भी हो, तो उसमें पैटर्न बना हुआ है, तो उसको लेयरिंग कैसे करें. एंड और एक चीज़ बताऊंगा जो है कपड़े की साइज़, मतलब कौन सी साइज़ के कपड़े के ऊपर आप लोग कौन सी साइज़ की ध्यान रखना है. तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान रखेंगे एंड इसके बाद आप लोग कोई भी जैकेट और हुडी हो किसी को भी अच्छे से लेयरिंग कर पाएंगे. तो गाइस, आप लोग जब लेयरिंग करते हो तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि अंदर आप जो कोई भी कलर पहन रहे हो ऊपर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव कलर पहनना चाहिए. तो आप लोग ऊपर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर पहन रहे हो तो आप लोगों को तो नीचे थोड़ा लाइट कलर पहनना चाहिए. मतलब मैंने यहाँ पर ये जैकेट पहना है, ये थोड़ा ये कलर जो ये लो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने अंदर व्हाइट पहना है. तो अंदर मैं रेड या फिर ग्रीन या फिर ब्लू पहन लेता, तब क्या होता ये टी शर्ट एंड ऊपर की जैकेट दोनों ही आंखों में कॉन्ट्रास्ट करता तो वो अच्छा नहीं लगता. तो आप लोग जब ऊपर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर पहनते हो तो अंदर सॉफ्ट कलर पहनना, मतलब सॉफ्ट पहने व्हाइट पहना है या फिर मैं ब्लैक भी पहन सकता था क्योंकि ब्लैक के ऊपर भी यही कॉन्ट्रास्ट करता, ब्लैक उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं करता. तो यही चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ध्यान देना है. तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पिंक कलर की हुडी पहना है एंड ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट पहना है, क्योंकि यहाँ पर पिंक कलर जो है वो ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, तो इसलिए मैंने ऊपर ब्लैक पहना है. या फिर व्हाइट भी पहनता तो ही वो अंदर की जो कलर है पिंक वो थोड़ा हाईलाइट करता. तो गाइस, ये चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान रखना है. तो आप लोग अंदर जो कलर पहनते हो ऊपर थोड़ा ऑपोजिट कलर पहनो, तो वो पिंक कलर की हुडी के साथ मैं ये जैकेट पहन लेता तो कभी भी अच्छा नहीं लगता. तो ऐसे आप लोगों को कलर के ऊपर ध्यान रखना है कि आप लोग कौन सा कलर अंदर पहन रहे हो एंड कौन सा बाहर. तो गाइस, ये गया कलर के ऊपर आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है. देन गाइस, नेक्स्ट आता है आप लोगों को पैटर्न के ऊपर क्या देखना है. तो गाइस, आप लोग एक अंदर पैटर्न वाला कोई भी हुडी या फिर कुछ भी पहन रहे हो तो ऊपर आप लोग जो भी जैकेट पहन रहे हो वो आप लोगों को पैटर्न के नहीं पहनना है. मतलब आप लोग अंदर पैटर्न का पहनते हो तो ऊपर सिंपल पहनो या फिर अंदर सिंपल पहनते हो तो ऊपर पैटर्न पहन सकते हो. तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ये पैटर्न वाला हुडीज पहना है तो ऊपर मैं एक नॉर्मल जैकेट पहन रहा हूँ, तो ये काफी अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पर मैं अंदर भी कुछ पैटर्न पड़ता है, ऊपर भी पैटर्न का जैकेट पहनता तो ये काफी अजीब लगता. तो आप लोगों को ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है. तो गाइस, नेक्स्ट तीसरी जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है वो है कपड़े की साइज. गाइस, आप लोगों को एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना है कि आप जो कपड़े ऊपर पहनो, मतलब एकदम ऊपर टॉप लेयर में जो होता है, मतलब जैकेट या फिर शर्ट कुछ भी हो, उसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए. मतलब आप अंदर जो शर्ट या फिर टी शर्ट पहन रहे हो या फिर हुडीज पहन रहे हो वो थोड़ा इस जैकेट से बड़ा होना चाहिए, तो ही आप लोगों को अच्छा लगेगा. गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक पिंक हुडीज के ऊपर डेनिम जैकेट को लेयर किया है. तो यहाँ पर हुडीज की लेंथ से जैकेट का लेंथ छोटा है, तो हुडीज का जो पार्ट है वो नीचे से दिख रहा है डेनिम के चाहिए. तो गाइस, यहाँ पर मैं इसको फोल्ड करके भी पहन रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि इतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि डेनिम जैकेट से हुडीज का हाइट यहाँ पर छोटा लग रहा है. यही आप लोगों को करना है, ऑलवेज नीचे का जो कपड़ा है वो दिखना चाहिए एंड जो ऊपर का टॉप लेयर होगा वो ऑलवेज छोटा होना चाहिए. तो गाइस, यही थी थ्री टिप्स जो आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से लेयरिंग कर पाएंगे. तो गाइस, आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया कि कैसे आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है एंड कैसे आप लोग बहुत अच्छे से लेयरिंग कर पाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा ऑसम एंड स्टाइलिश दिख सकते हैं. तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा. ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए. एंड मेरे एवरी इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, कुछ बात तो डीएम कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा. तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.